आज पता है आज फिर से हम लोग कहीं जा रहे हैं। मुझे तो मजा ही आ जाता है नानी के घर में, इसीलिए तो मैं रहना चाहती हूँ नानू के घर, ताकि मैं हमेशा इसी तरह घूमते रहूँ, फिरते रहूँ और मजे करते रहूँ, मजे में घूमते रहूँ, ताकि मुझे पढ़ाई भी ना करना पड़े। और यहाँ पे मुझे पढ़ाई भी बहुत उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैं जब पापा के साथ रहती हूँ ना अगरतला में, तो मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, फिर घर में आके होमवर्क बनाना पड़ता है, फिर मम्मा भी बहुत पढ़ाती है। यहाँ पे मम्मा भी मुझे ना थोड़ा उतना नहीं पढ़ाती है, थोड़ा कम ही पढ़ाती है यहाँ पे, तो इसके कारण ना मुझे बहुत मज़ा आज। और ऐसे भी ना मैं आज जा रही हूँ घूमने के लिए, पता है कहाँ, सत्संग में। नानी जा रही थी, नानू जा रहे थे, मम्मा भी जा रही थी, तो अगर मम्मा कहीं नहीं भी जाती है ना, तो मैं नानू के साथ, मम्मी के साथ, नानी के साथ तो आराम से कहीं चले जाती हूँ घूमने के लिए। और वैसे भी आज मम्मा जा रही थी, तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला था। तो हम लोग आ गए थे आज सत्संग में। देखो हम लोग सत्संग में आकर के यहीं पे खाना खा रहे थे, पता है। नानी घर से चना बना के लाई थी, बहुत कुछ लेकर के आई थी, चना मुड़ी बहुत कुछ क्या क्या लेकर के आई थी, हमारे लिए रोटी भी बना कर लाई थी। और बहुत मॉर्निंग में ही ना, आज सुबह सुबह हम लोगों को मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास ही मॉर्निंग में जगा दी थी, ताकि हम लोग जल्दी से टाइम पे वहाँ पे पहुँच सके, सत्संग में बैठ सके और सत्संग सुन सके। सत्संग में ऐसे भी ना बाबा जी सब बहुत कुछ समझा। वैसे हमारी नानी भी ना डेली घर में सत्संग करती है शाम में, तो आज जब बाहर जाने वाले थे सत्संग में, तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला था। तो वैसे भी कहीं जाना हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है, रेडी वेडी होके जाने में मज़ा बहुत आता है, घूमने फिरने में। तो यहाँ पे आने के बाद ना इतना लेट से सत्संग हो रहा था ना, इतना बाबा जी लोग बता रहे थे ना, सबको बता रहे थे, ज्ञान बाँट रहे थे, सबको समझा रहे थे ना, सबको तो अच्छा लग रहा था, नानू को भी, नानी को भी, मम्मा को भी। वो लोग मुझे बार बार बोल रहे थे, चुप रहो बेटा, हल्ला मत करो, शांत रहा करो, और मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, मेरे से शांत रहा ही नहीं जा रहा था, तो मन ही नहीं लग रहा था। फिर इतना में ना मुझे नींद भी आ गई और मैं यहीं पे सो गई। मैं जब मुझे शांत रहने को बोलता है ना कोई, तो मुझसे नहीं हो पाता है, मैं शांत रह ही नहीं पाती हूँ। फिर यहीं पे ना मैं सो गई थी और नानू लोग फिर सत्संग करने लगे थे। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, अमृत का रस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा, जीवन का आधार। जब ये भजन हो रहा था ना, तो मेरा नींद इतना में ये भजन सुनने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। भजन सुनने के बाद मेरी नींद खुल गई थी और मैं जग गई थी। फिर इतना में सत्संग भी खत्म होने को हो गया था, शाम होने को हुआ था, सत्संग भी खत्म हो रहा था और यहाँ पे जा रहे थे बाबा जी को विदाई हो रहा था। तो बाबा जी का विदाई कुछ इस तरह से हो रहा था, यहाँ पे सब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे वेलकम भी किए थे। जब जा रहे थे बाबा जी, तो बाबा जी को विदाई भी बहुत अच्छे से कर रहे थे सब, और मैं देख रही थी, मम्मा यहाँ पे वीडियो भी कैप्चर कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग मेला गए, थोड़ी सी मम्मा को मुझे लेना था बलून और कुछ कुछ टॉयज भी लेना था, बहुत कुछ मैंने लिया वहाँ पे मेला में, बहुत सारे टॉयज लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। तो इस तरह से रहा हमारा मस्ती वाला दिन।